देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। पुलिस वाले अपराधी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पुलिस ने इतनी शानदार प्लानिंग की जिसके कारण अपराधी खुद पुलिस कर्मी के करीब आता गया। किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आया। अब तक आरोपी ही पुलिस को झांसा दिया करते थे, लेकिन छतरपुर में तो पुलिस ने ही आरोपी को झांसा दिया, और ऐसा झांसा कि आरोपी की सारी चाल बेकार हो गई। ये चेहरा देखिए, गलती ना कीजिएगा इसे मासूम समझने की, क्योंकि इस पर है हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने का आरोप। इस शख्स के हाथ खून से रंगे थे और पुलिस से ये भागा भागा फिर रहा था, लेकिन तभी एंट्री हुई इस महिला पुलिसकर्मी की। पुलिस की ड्यूटी करने वाली माधवी अग्निहोत्री आरोपी बालकृष्ण की गर्लफ्रेंड बन गई। उससे फोन पर लंबी लंबी बातें किया करने लगी। माधवी की बातों का असर बालकृष्ण पर कुछ ऐसा हुआ कि उसे भनक तक ना लगी। माधवी की बातों में हत्या का आरोपी बालकृष्ण फंसता चला गया। मौका देखते ही बालकृष्ण को कथित गर्लफ्रेंड माधवी ने फोन करके मिलने के लिए भी बुलाया, और बालकृष्ण भी उतावला होकर उससे मुलाकात करने के लिए एक जगह तय कर चुका था। लेकिन यहीं पर खेल पलट गया। जिसे बालकृष्ण अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड का सिर्फ किरदार निभा रही थी। असल में वो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस का कर्तव्य निभा रही थी। जैसे ही माधवी और बालकृष्ण की मुलाकात होने जा रही थी, ठीक उसी वक्त पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। तब जाकर बालकृष्ण को भी समझ में आया कि असल खेल तो उसके साथ हुआ है। महीने में हत्या का प्रकरण कायम हुआ था, जिसमें वीरेंद्र सिंह राजपूत नामक व्यक्ति की जो किराए के मकान में रहता था उसकी हत्या की गई थी, और बंद कमरे में उसकी लाश मिली थी। उसमें अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ था कि उसको सुपारी देकर के उसकी हत्या की गई है, और उसमें दो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे। बालकृष्ण चौबे नामक एक आरोपी फरार था, जिसके ऊपर मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी बालकृष्ण एक युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है, इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी था। वारदात में शामिल दो लोगों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बालकृष्ण भागा भागा फिर रहा था। लेकिन जाल बिछाया गया और फिर फंस गई मछली जाल में। आरोपी को पूरी फिल्म स्टाइल में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काफी प्रयास किए गए थे, आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था, और ऐसा भी ज्ञात हुआ था कि इस आरोपी के किसी महिला से संबंध है। तो इस आधार पर साइबर सेल की टीम, थाना प्रभारी की टीम और एक चौकी प्रभारी जो है गर्रौली की माधवी अग्निहोत्री, तो लोगों ने एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया, और माधवी अग्निहोत्री उप निरीक्षक की एक अहम भूमिका थी कि वो आरोपी की जो प्रेमिका थी उसका हवाला दे करके उससे नंबर पता करके बात किया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी प्रेमिका बोल रही हूँ और मुझसे यहाँ पर मिलो। इस आधार पर आरोपी को बुलाया गया और आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। किसी वारदात में शामिल आरोपी को पकड़ने के लिए इतनी शानदार प्लानिंग शायद ही आपने सुनी हो। पूरी तरह से आरोपी की कमजोरी को टटोला गया, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पकड़ा गया। प्लानिंग इतनी शानदार कि आरोपी को एक पल के लिए भी भनक ना लगे कि वो पुलिस की जाल में फंस रहा है।